So, happy guys, after a long... So, hi, this is Guru and welcome back on our channel, Malady Dogs. So, आज हम लोगों ने एक बहुत ही स्पेशल शूट किया हुआ है. कोई यूट्यूबर नहीं है, कोई पाठशाला नहीं है, किसी यूट्यूबर का हम लोगों ने शूट नहीं किया है. आप बहुत ही स्पेशल पर्सन का हम लोगों ने इंटरव्यू शूट किया है. नागपुर में आज बहुत ही जोरों शोरों से एक चीज चल रही है, दैट इज अ झुंड. झुंड 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 हर जगह झुंड चल रहा है भाई. तो हम लोगों ने भी सोचा कि झुंड का ये कैरेक्टर उठा के हम लोग भी उनके साथ में इंटरव्यू सेक्शन कवर करते हैं. तो स्पेशल पर्सन जो फुटबॉल में जिन्होंने बहुत ही अच्छा नाम कमाया है और जो आज की तारीख में एक कोच है, उनसे मूवी में जैसे कि मूवी में नागराज सर उनसे इंस्पायर हुए थे. दैट नेम अखिलेश पॉल. अखिलेश पॉल सर का हम लोग बहुत वेलकम करते हैं. सो 1 2 3 मेरे साथ में है मोस्ट एंटरटेनिंग, मोस्ट मजेदार, मेरे भी फेवरेट बन चुके हैं सर, दैट इज अखिलेश पॉल सर. अखिलेश पॉल सर वेलकम ऑन माय चैनल. सबसे पहले सर आप ये बताओ कि मेरे चैनल पे आके आपको कैसा लग रहा है? आपके चैनल पे आके मैं जैसे नागपुर में रहता हूँ और जिधर में आपके चैनल का नाम बहुत सुना था. अच्छा, कभी ऐसा मुलाकात नहीं और ऐसा कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं आपके चैनल पे आऊँ. ये बात जैसे आप मुझे इनवाइट किया तो मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस ये था कि मैं आपके चैनल पर जाके इंटरव्यू दूँ. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आपके चैनल में आके, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. हरी यस सर. पहली बात तो सर ने बहुत बड़ा झूठ बोला है. मेरा चैनल का कोई नाम ही नहीं है. मैंने एक्चुअली पर्सनली चाहता था कि मैं सर को इनवाइट करूं. सो थैंक यू सो मच सर मेरी थोड़ी तारीफ करने के लिए. सर नागपुर सिटी में जैसे कि आपको पता ही है झुंड मूवी रिलीज हो गई है, वहाँ के ओरिजिनल डॉन जो थे दैट इज अखिलेश सर. सो अखिलेश सर नागपुर में नागराज मंजूड़े सर भी आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जो मूवी की जो स्टोरी है वो आपके ऊपर से भी बहुत इंस्पायर्ड है, आपसे भी वो इंस्पायर्ड हुए हैं. वो फिल्म देखने के बाद कल भी बार से सर अभिजीत और वो अखिलेश पॉल जी हैं जिन पे जो भी हमारी प्रेरणा है वो सब लोग इतना खुश हो रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि उनसे इंस्पायर होकर जो फिल्म बनी है वो भी एक अच्छी फिल्म बनी है और लोगों को पसंद आ रही है. सो कैसा लग रहा है ये सब सुन के सर आपको, पहले ये बताओ? नागराज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा. बहुत ही मेरे दिल से हार्ट से उनका धन्यवाद और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने ये टॉपिक चुना और ये टॉपिक चुन के जो मूवी सिलेक्ट करा और ये मूवी को इस तरीके से बनाया जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे. तो उस तरीके से उन्होंने पर्दे पर दिखाया एक रियलिटी नागपुर की, नागपुर के बच्चों की और एक डॉन की और एक टीचर की जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंस्पायर है कि एक डॉन जो मेरे जैसा डॉन भी बदल सकता है अगर उसको कोई एक अच्छा टीचर मिले तो. तो जो दिखाने का तरीका हुआ नागर सर का वो माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छा लगा मुझे और नागपुर के लोगों को भी ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है. बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ नागर सर का. मैं भी सर मुझे एक बात बताओ, आपने मूवी देखी है कि पहले ये बताओ? हाँ मैंने देखा है. इतने सारे कैरेक्टर्स थे मूवी में जी, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? ऑब्वियसली मेरा कैरेक्टर तो अमित है. अच्छा, उसने काफ़ी अच्छा प्ले किया है. एक साइड में उनके साइड में जो उनके बड़े लीड एक्टर थे अमिताभ सर, तो उनके सामने अंकुश का जो प्ले था वो माइंड ब्लोइंग था. तो और मैंने ट्विटर में भी देखा हूँ और सोशल मीडिया पे भी देखा हूँ कि अमिताभ सर ने काफ़ी तारीफ की है झुंड के बच्चों की. तो सभी ने वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाया. अंकुश हो गया, बापू हो गया, जैनिक हो गया, एंजल हो गया वो छोटा बच्चा, उसने भी काफ़ी अच्छा रोल निभाया. तो अंकुश से मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ. अच्छा, अंकुश जी मतलब आपका फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है? हाँ अंकुश मेरा फेवरेट. हाँ थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिलके. थैंक यू सो मच सर, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे कि आप मेरे चैनल पे हैं. एंड टिल देन जिसको भी वीडियोस पसंद आए पता नहीं क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी दबाना है, लाइक पाके करो और शेयर फटाफट शेयर करो. टिल देन बाय, लव यू ऑल गाइस, बी ऑलवेज मोटिवेटेड इन योर लाइफ एंड बी गॉड विल ब्लेस यू. बाय. Maybach music. Did anybody out there?